ये मेल है और इसके साथ जो शराजी फीमेल लगी हुई थी वो भी मैं लेके आता हूँ। पहले मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ, फिर इस पेड़ के जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल, मैं मुजम्मिल हुसैन और एक दफ़ा फिर से आप दोस्तों को अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे लोफ्ट में एक पेड़ लगा था जो कि सैक्सन फेरिस वालों का मेल था और इसके साथ शराजी फीमेल थी, और उनके रिजल्ट भी आ गए हैं। आज मैं आपको वो रिजल्ट दिखाऊंगा कि इसको बोलते हैं दोस्तों क्रॉस ब्रीड, और इनके जो रिजल्ट आए हैं वो मैं आज आप दोस्तों को दिखाऊंगा। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पेड़ हमने खुद से नहीं लगाया, ये खुद से ही लगे, और इसके जो भी रिजल्ट आए हैं वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लें, ये मेल है सैक्सन फेरिस वालों का ब्लू स्पेंगल में, इसका ये क्रस्ट होता है, स्पॉट होता है, और बहुत ही प्यारे इसके स्पेंगल होते हैं, ये देखें आप। उसके अलावा दोस्तों इसकी पामोज होती है बड़ी बड़ी, ये देखें दोस्तों। मैं इसको छोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप। ये मेल है और इसके साथ जो शराजी फीमेल लगी हुई थी वो भी मैं लेके आता हूँ। पहले मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ, फिर इस पेड़ के जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों अब मैं लेके आता हूँ शराजी फीमेल जो इस मेल के साथ पेड़ हुई थी। जी तो दोस्तों ये देखें, ये शराजी फीमेल है, इसको बंद कर देता हूँ उड़ी ना जाए। ये देखें दोस्तों, ये आप देख लें, इसके फीदर एक तरफ से बिल्कुल वाइट हैं और दूसरी तरफ से हाफ इसके ब्लैक हैं, और चार फीदर जो इसके बड़े हैं वो भी वाइट हैं, और इसकी पमोज ये देखें छोटी छोटी है, बिल्कुल ना होने के बराबर ही आप कह लें। ये देखें दोस्तों, ये पूरा पेड़ है, ये खुद से ही पेड़ हुआ था, और अब जो इनके रिजल्ट आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। जी दोस्तों ये पहला बच्चा है इस पेड़ का, ये आप देखें बिल्कुल वाइट निकला है दोस्तों, इसका क्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, स्पॉट वगैरह भी नहीं है। अगर मैं पमोज आपको दिखाऊं तो ये पमोज आई है इसकी, और बाकी भी वाइट है इसमें, ये देखें आप, ये वाइट है, और इस तरफ दोस्तों इसके दो फीदर जो हैं वो ब्लैक आई हैं, ये देखें। अब मैं इस बच्चे को इधर छोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें दोस्तों। दोस्तों अब मैं लेके आता हूँ इस पेड़ का दूसरा बच्चा। तो ये देखें दोस्तों, ये इस पेड़ का दूसरा बच्चा है, इसकी भी आंखें ब्लैक है, और यहाँ पे हल्का सा आंख के ऊपर एक डॉट है ब्लैक कलर का, बाकी इस तरफ से ये एक फीदर आया इसमें ब्लैक छोटे वाला, और इस तरफ से दोस्तों ये दो फीदर आए हैं, और पमोज इसकी वैसी है, ये देखें नाखून इसका हल्का सा ब्लैक है, ये देखें, और पमोज इधर से ये हल्का सा है ब्लैक। तो ये देखें दोस्तों, ये रिजल्ट आए हैं इस पेड़ के। अगर आप क्रॉस ब्रीड में इस तरह का पेड़ लगाएंगे तो उसके आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं, ये आप देख लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।